जनपद सीतापुर के थाना संदना पुलिस ने दिखाई तत्परता। क्षेत्र के भारतपुर गांव में हुई घटना का चंद घंटे में किया पर्दाफाश। हम आपको बता दें, युवती के गले पर वार घटना को लेकर संदना थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए महज चंद घंटों में खुलासा कर दिया और आरोपी युवक को अपने हिरासत में ले लिया। हम आपको बता दें, घटना में घायल हुई युवती का इलाज जनपद सीतापुर के जिला अस्पताल में चल रहा था। युवती के स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद जो खुलासा किया उससे पुलिस का काम और आसान हो गया। युवती ने बताया, प्रेम प्रसंग के चलते एक उसके प्रेमी युवक ने उसके गले पर ब्लेड से वार किया और मौके से वह फरार हो गया। पुलिस ने तुरंत आरोपी युवक को हिरासत में लिया। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में क्या कुछ कहा, आप लोग भी सुने। क्या नाम है मुन्ना? पूरी बात बताओ। नाम, पिता का नाम? गांव। सुरेंद्र कुमार। पिताजी का नाम? पिता का नाम छोटेलाल। गांव? भारतपुर। पूरी घटना शुरू से आज बताओ, आज कब आपके पास फोन आया या आप उसको फोन किए, कैसे घटना स्थल पर पहुंचे, आप पूरी बात बताओ। सुबह 11 बजे फोन आया था, तो बस एक बार बात हुई तो बोली वहाँ पे आओ 12 बजे। हमने 12 बजे गए, बस एक वहाँ पे खड़े हुए, खड़े होके ऐसे बातचीत हुई। बातचीत होके हमने पूछा किससे बात करती हो, तो बोलने लगे नहीं नहीं अंदर गन खेल गए थे। नहीं, बाहर ही थे। बाहर कहाँ? वहीं तार के पास? नहीं, दीवार के पास। हाँ, दीवार के पास। हाँ, वहीं पे हमने पूछा, उसने बोली कि हमने ये काम हम नहीं करते हैं। तो मेरे पास ब्लेड थी, तो हमने मजाक में ऐसे ही रखी। कौन सी ब्लेड थी? यही रेजर है। कहाँ वो ब्लेड? वो सर उसी में पड़ी होगी, पता नहीं। खेत में? और वहीं फेंक दिया? वहीं गिर गई होगी। और ऐसे ये जिससे दाढ़ी बनाई जाती है? हाँ, यही सर थी। हाँ, यही थी। अच्छा, तो ये सर हमने रखा, हमने कहा बता दो सही बात। तो इसने मतलब छीने छपटे में उसके कोन लग गई नहीं, बस इतनी बात हुई थी। अच्छा, तुम्हारा पहले से उससे मिलना जुलना था? नहीं सर। कितना दिन से आप बातचीत करते हो? बातचीत तो होती थी करीब करीब 2 साल से। अच्छा, लेकिन इतनी मुलाकात कभी कभी नहीं होती थी, कभी करा रहे 6 महीने में हो जाती थी। अच्छा, ये मुलाकात हुई है करीब करीब 4-5। दोपहर में लगभग 12:30 बजे एक सुबह नंबर की कॉल आई थी। इसमें जानकारी ये दी गई कि भारतपुर HO कोरोना में एक लड़की है जिसके गले पे प्रहार करके उसे घायल कर दिया गया है। हमारी पुलिस तत्काल मौके पे पहुंची थी, उसको हम लोग CHC पे ले आए, जहाँ उसके गले में किसी ब्लेड या चाकू से प्रहार किया गया था। तत्काल उसको हम लोग जिला अस्पताल लेकर के आए। यहाँ पे उसकी हालत ठीक है, उसको स्टिच लगा दिया गया है। लड़की के स्थिर होने पे उससे हम लोगों ने बातचीत किया, लड़की ने पूरी घटना स्वयं ही बता दी है। उसने बताया कि एक लड़का हमारे गाँव का है जिसका नाम सुरेंद्र है, उससे हमारा प्रेम प्रसंग चल रहा था और आज हम सब लोग मोबाइल फ़ोन पर बात करके एक गन्ने के खेत में मिलने गए थे और वहीं हम लोगों ने करीब आधे घंटे बातचीत किया और अचानक उसने हमारे गले पे ब्लेड से प्रहार किया जिससे मैं घायल हो गई और मौके से भाग गया वहाँ पे। तत्काल हम लोग गांव के सुरेंद्र को गिरफ्तार कर लिए हम लोग और थाने पे लेके आए हैं। उससे हम लोग की बातचीत, सुरेंद्र ने भी घटना स्वीकार कर ली, उसका वीडियो हमारे पास है। उसने बताया कि मेरे संबंध लगभग 2 साल से उस युवती से हैं और आज मैंने उसको गन्ने खेत में मिलने के लिए बुलाया था। हम लोग करीब 25 से 30 मिनट बैठ के वहाँ पर बातचीत उससे किए और मेरे मन में शक था कि कहीं किसी और से बात करती है। मैंने सेविंग करने के लिए हमारे पास ब्लेड था और उसी ब्लेड को लेके मैंने इसको धमकाने का प्रयास किया कि तुम किसी और से बात करती हो, आप बता दो, नहीं तो हम गला आपका काटेंगे, मैं अपना स्वयं काट लूँगा। इसी छीना झपटी में वो ब्लेड उस युवती के गले पे लग गया जिससे उसको कट गया और उससे ब्लीडिंग होने लगी। युवती तत्काल मौके से निकल के भागी और चिल्लाते हुए, और सुरेंद्र भी डर गया, बाद में निकल के खेतों से होते हुए शहर में भाग आया। वो अभी तत्काल उसको हिरासत में लिया है, उसने घटना स्वीकार कर ली है और थाना संदना मुकदमा हम लोग दर्ज कर लिए हैं और आवश्यक विधिक कार्रवाई से हम लोग कर रहे हैं।